हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और वेलकम है आपका मेरे चैनल आकाशवाणी में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बात करेंगे YouTube से रिलेटेड। दोस्तों YouTube की तीन बहुत ही बड़ी गाइडलाइंस मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हो चुकी है, जो कि आपको नहीं पता है। जैसे कि आपको पता है YouTube आए दिन नए नए रूल्स मार्केट में लॉन्च करता रहता है। YouTube मार्केट में नए जो रूल्स हैं वो लॉन्च क्यों करता है? बिकॉज आपको पता है कि YouTube पे बहुत ज़्यादा गंद जमा हो गया। तो YouTube क्या चाह रहा है कि आपको सही चीज़ प्रोवाइड करे, सही चीज़ दे, व्यूअर्स को हर एक चीज़ सही मिले YouTube पे। तो YouTube क्या कर रहा है, आए दिन नए नए रूल्स निकालता रहता है जो कि आप सबके लिए सेफ हों और सही हों। तो तीन बहुत ही बड़ी गाइडलाइंस रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है और आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके चैनल पे आ सकती है स्ट्राइक और आपका चैनल हो सकता है टर्मिनेट। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि वो तीन गाइडलाइंस कौन सी हैं। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आगे जाने से पहले इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको वीडियो के बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में क्या होता है दोस्तों, आप वीडियो की फीलिंग में बह जाते हैं और वो काम आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि मैं आपको YouTube हेल्प के पेज पे लेकर के आया हूँ। ये देखिए YouTube हेल्प। अब इसके अंदर क्या है, ये जो आपका अनाउंसमेंट हुआ है, ये पूरा अनाउंसमेंट का एक तरीके से मेल, एक तरीके से पूरा का पूरा टेक्स्ट इन्होंने किया हुआ है, जिसके अंदर हर एक चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी कि जो अनाउंसमेंट है वो क्या है, जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। अगर इस मैं गाइडलाइन को पूरा पढ़ के समझाऊँ तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मेन मेन टॉपिक आपको उठा के समझा देता हूँ, जिसमें आपको ईजिली समझ में भी आ जाए और वीडियो भी लंबा ना बने और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी और आप एक यूट्यूबर हैं तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो है कस्टम थंबनेल के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये कस्टम थंबनेल होता क्या है। दोस्तों जब भी आप किसी यूट्यूब की वीडियो को खोलते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर जो सबसे ऊपर फोटो लगी होती है, जो पूरी वीडियो का सार होता है, जिसको देख कर आप वीडियो को क्लिक करते हैं, प्ले करते हैं, उसको कहते हैं थंबनेल। अब दोस्तों पहला जो गाइडलाइन है वो थंबनेल के रिगार्डिंग है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल क्या है कि ऐसे ऐसे थंबनेल ऊपर लगा दिए जाते हैं कि जिससे बंदा क्लिक करे ही करे। मतलब कि होता क्या है, थंबनेल जैसे कि गाइडलाइंस के रिगार्डिंग क्या है कि कोई भी थंबनेल आपका पोर्नोग्राफी और ग्राफिक वायलेंस को मोटिवेट ना करे, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट ना करे। ऐसी कोई ही आपका अगर थंबनेल है तो कंपनी आपको, यूट्यूब कंपनी आपको स्ट्राइक दे सकती है, अगर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड प्रमोट कर रहा है उसको या फिर ग्राफिक वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गंदी फोटो लगा रखी है उसके ऊपर, ठीक है, या फिर आपने सिलेंडर जलाते हुए कोई फोटो लगा रखी है, या फिर बम बनाते हुए कोई फोटो बना रखी है, जो कि ये सब वायलेंस को मोटिवेट करते हैं, वायलेंस को वो सब चीज़ें बढ़ावा देती हैं। तो अगर आपका थंबनेल इन चीज़ों से रिलेटेड है तो दोस्तों आपके चैनल पे भी स्ट्राइक आ सकती है इस थंबनेल के रिगार्डिंग। और अगर आपको पता है 90 दिन में 3 स्ट्राइक आपके चैनल पे आ गई, तो दोस्तों आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके चैनल पे, अगर आपकी वीडियोज़ पे ऐसे थंबनेल हैं, तो प्लीज़ उनको रिमूव कर लीजिए, ताकि कम्युनिटी गाइडलाइंस को वो सारी चीज़ें सही दिखें और आपके चैनल पे स्ट्राइक ना आए। दोस्तों जो दूसरा गाइडलाइन है, जो दूसरा गाइडलाइन लॉन्च किया है, उसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल लिंक। अब जैसे कि होता है क्या, कई वीडियोस के अंदर आप लोग ऐसे लिंक देते हैं जैसे कि पोर्नोग्राफी से रिलेटेड या फिर कोई वॉलेंस से रिलेटेड या फिर कोई मालवेयर या फिर स्पैम से रिलेटेड अगर लिंक आपकी वीडियोस में है, आप नहीं देते और लोग देते हैं, अगर ऐसे लिंक्स आपकी वीडियोस में हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको कम्युनिटी स्ट्राइक दे सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकती है। अगर ऐसे कोई लिंक आपकी वीडियोस में है तो उसको रिमूव कर लीजिए, वरना आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी गाइडलाइन की। दोस्तों जो तीसरी गाइडलाइन है वो डेंजरस चैलेंज एंड प्रैंक्स। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी प्रैंक चैनल आजकल चल रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है, किसिंग चैनल होते हैं, किसिंग प्रैंक्स होते हैं, अब बहुत से ऐसे प्रैंक्स होते हैं जो कि वायलेंस को या फिर डेंजरस एक्टिविटी को, सीरियस फिजिकल हार्म्स की एक्टिविटी को, या इन सब चीज़ों को, अगर कोई भी हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी अगर कोई आपकी वीडियोज़ में आप बना रहे हैं, कोई आपका कंटेंट है, तब भी आपको चैनल टर्मिनेट कर सकता है, यूट्यूब चैनल आपका टर्मिनेट हो सकता है अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे कोई प्रैंक आपके उसमें नहीं होने चाहिए, कोई डेंजरस चैलेंज नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने थंबनेल के बारे में बताया कि सिलेंडर को जलाते हुए हो गया या बम बनाते हुए, ऐसी कोई वीडियोज़ अगर आप बनाते हैं, ऐसी कोई कंटेंट अगर आपके हैं, या फिर आपके कोई अडल्ट प्रैंक्स
आप बना रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, आपको क्या नाम स्ट्राइक आ सकती है। तो ये तीन बड़ी गाइडलाइंस हैं दोस्तों, अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ करते हैं तो आप टर्मिनेट हो सकते हैं चैनल से, आपका यूट्यूब से आप टर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये तीन गाइडलाइन मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दी, और अगर आपको इन गाइडलाइंस के बारे में डीपली जानना हो तो इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस पर लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।